आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप बिहार के हैं तो बिहार में ऑनलाइन अपनी ज़मीन का नक्शा आप डाउनलोड कर पाएंगे। जी हाँ, तो दोस्तों सही सुने, अपने ज़मीन का या अपने पंचायत का जो नक्शा होता है उस नक्शे को आप ऑनलाइन डाउनलोड कर पाएंगे और पूरी हिस्ट्री जान पाएंगे। चौधरी में कौन कौन है, किसके नाम पे है पूरी ज़मीन और क्या क्या ये है, मतलब। तो चलिए आज की इस वीडियो में सिखाते हैं किस तरह अपने ज़मीन का हिस्ट्री निकाल सकते हैं, अपने ज़मीन का आप नक्शा निकाल सकते हैं, पूरी चौहद्दी वगैरह सारा चीज़। चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइज, मैं हूँ जीशान आरिफ और आप देख रहे हैं जीशान मॉनिटर। दोस्तों यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा जीशान मॉनिटर, ये वाला, तो आपको इस ये लोगो देख लीजिए, आप लोगों मिल जाएगा। तो ये वाला आप जैसे आप अपनी मोबाइल या सिस्टम में आप सर्च करेंगे तो इस ये यूट्यूब चैनल आपको ओपन हो जाएगा। इस यूट्यूब चैनल में मैंने आपकी सुविधा की, आपकी काम की यूजफुल, आपकी यूजफुल की बहुत सारे मैंने वीडियो बना दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए आपको बताते हैं किस तरह अपना अपने गांव का अपनी ज़मीन का नक्शा डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, आपकी सुविधा के लिए मैं ये irc.bihar.nic.in एक लिंक दिया है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आपको उस लिंक पे क्लिक करना है, जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। जैसे आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भू नक्शा और नीचे स्कोर डाउन करके यहाँ पे भी आपको भू नक्शा मिल जाएगा। दोनों पे कहीं जगह पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक नया टैब ओपन हो जाएगा। नया टैब ओपन होने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे स्टेट जो बिहार है, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे कुछ ही डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। यहाँ पे चार डिस्ट्रिक्ट दिए गए, नालंदा, सुपौल, मधेपुरा, लखीसराय। ये चार डिस्ट्रिक्ट से अगर आप आते हैं तो आप अपना नक्शा डाउनलोड कर पाएंगे। तो यह धीरे धीरे अपडेट कर रहा है, धीरे धीरे सभी डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप ये डिस्ट्रिक्ट से नहीं हैं तो आप सीख लीजिए। जब भी अपडेट आएगा, जब भी आपका ज़िला जुड़ जाएगा तब आप कर लीजिएगा। तो अपडेट आप चेक करते रहिएगा इस वेबसाइट को। तो चलिए मैं ये ज़िला नालंदा सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सब डिवीज़न सेलेक्ट करना होगा, तो सब डिवीज़न आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे सर्किल सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, सर्किल सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद सर्किल सेलेक्ट में यहाँ पे मौजा या मतलब गांव सेलेक्ट करना होगा, जो भी गांव है जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद टाइप में SS यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे साइज में भी ये दिया रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका पूरा ये इस सर्किल का, इस मोजा का नक्शा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसको आप जूम करके देख सकते हैं, जहाँ भी आपका ज़मीन हो उस नक्शे पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे भी उस पे क्लिक करेंगे तो अब इसका देखिए कितना खेसरा है और पूरी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए पूरी रिपोर्ट आ चुकी है, ठीक है। कोई भी नक्शा ले लेंगे, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए डिसमिल जो वो भी दिख रहा है और खेसरा नंबर, नाम, पिता का नाम, जाति भी मिलेगा आपको, यहाँ पे निवास स्थान और यहाँ पे चौराही में, या तो पूरब में किसका घर है, क्या है, पश्चिम में क्या है, यानी कि चौराही चारों तरफ ज़मीन के चारों ओर किस दक्षिण में किसका घर, उत्तर में, पश्चिम में, पूर्व में किसका घर, वो भी दिया रहेगा, ठीक है। तो अभी इस नक्शा को किस तरह आप डाउनलोड कर पाएंगे उसके लिए यहाँ पे एक देख पा रहे हैं मैप रिपोर्ट। मैप रिपोर्ट भी जैसे क्लिक करेंगे तो नया टैब ओपन हो जाएगा। तो ये आपकी नेटवर्क की स्पीड के हिसाब से काम करके, जितना आपकी नेटवर्क स्पीड रहेगी उतना जल्द ये आपका ओपन हो जाएगा। जब ओपन होगा तो कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका पूरा डिटेल, खेसरा नंबर, डिस्ट्रिक्ट वगैरह रहेगा और क्या उत्तर दक्षिण में किसका घर है, किस तरह के जो भी वो यहाँ रहेगा। और उसके बाद उस ज़मीन का जो नक्शा है यहाँ पे, उस ज़मीन का नक्शा यहाँ पे आपको दे दिया गया है, उस ज़मीन का नक्शा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे इसको सेव करने के लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं 100 रिपोर्ट PDF
100 रिपोर्ट पीडीएफ पर जैसे क्लिक करेंगे नया टैब ओपन हो जाएगा। ये देखिए लोडिंग ले रहा है। अब ये जो था उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके हमें यहाँ पे दे दिया है। ये देख लीजिए ये पीडीएफ में कन्वर्ट करके हमें को ये दे दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से प्रिंट करके किसी को दे सकते हैं। यहाँ देखिए सेव करने के लिए बोला, कहाँ पे सेव करना चाहिए वो सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। देख लीजिए, तो इसी तरह आप अपना ज़मीन का नक्शा वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। आप बराबर इस वेबसाइट को देखते रहिए, खोलते रहिए, कभी भी आपका ज़िला जुट सकता है कि अपडेट चल रही है, इस पर काम चल रही है, तो चेक करते हैं। अगर आपका अभी जुड़ा हुआ है तो बहुत बहुत बधाई आपको, आप निकाल लीजिए ऑनलाइन, कहीं जाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो को अंत में बता दूँ, जीसान मॉनिटर आपको यूट्यूब पर सर्च कर लेना है और यहाँ पर आपके यूजफुल के बहुत सारे वीडियो पहले से बना दिए गए हैं, जिसे आप देख के आप फ़ायदा लाभ उठा सकते हैं।